सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. क्या बोलूँ, अभी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही मेरे को कैमरे के सामने. अभी मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी. अब रो क्यों रही थी, क्योंकि मुझे इस वीडियो में अपना आंसर की शेयर करना है. सो जस्ट मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए. मैं बोलती हूँ क्लियर, अगर आपको मेरे एक्सप्रेशन से पता चल गया होगा, मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा गंदे आए, बहुत ज़्यादा. मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था इतना कभी. मतलब क्या बोलूँ यार, पिछले चार पांच मॉक से मेरे चार पांच कह रही हूँ चार पांच महीने मैंने मॉक जब भी दिए, इतने कम कभी नहीं आए थे मेरे. आई जस्ट नीड ब्रेक. ओके, सो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो भी होगा आई विल शेयर ऑन दिस चैनल एंड आई विल बी जेन्युइन, जो भी है मैं शेयर करूँगी. सो आंसर की यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ. आई गॉट ओनली 118 मार्क्स. मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि कैसे 118 मार्क्स मेरे आ गए. इतने तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं आए थे. मुझे नहीं पता इस शिफ्ट में क्या हो गया, कैसे. पेपर टफ था, मुझे पता है. हाँ, मेरा पेपर टफ था, बट मतलब क्या वो मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैं आई हैव नो एक्सप्लेनेशन, नो डिस्कशन, कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए. जस्ट लिव इट. आगे रिजल्ट, आगे आंसर की जस्ट लिव इट, क्योंकि मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ सिचुएशन. मैं कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. मैं वीडियो बनाने के भी होस्ट में भी नहीं थी कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो मैंने सोचा था मैं वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, बट बना इसलिए रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी जेन्युइन. अगर मैं वीडियो नहीं बनाती, अपलोड नहीं करती, तो सब सोचते आई एम फेक, जो भी है. तो आई रिक्वेस्ट कि नेगेटिव कमेंट मत करना, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी. आई एम टू मच इमोशनल काइंड ऑफ गर्ल. छोड़ो. सो 118 मार्क्स आए, आई डोंट नो कैसे आए, क्या गलत हो गया. इतना भी बुरा नहीं गया था मेरा पेपर. आई वॉज पेपर टफ था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ 135 प्लस तो हो जाएंगे, बिकॉज थोड़ा बहुत मुझे है नेगेटिव करने की आदत, सीडी करने की आदत. बट इतना ज़्यादा क्या, अब छोड़ो. एंड कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी है, जो मैंने सीखा इसके बाद, मैं वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. उससे पहले एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ मैं. जस्ट अ सेकेंड, मैं लेके आती हूँ रिटर्न में. ओके, सो आई एम बैक एंड मुझे जो शेयर करना था वो मैं करने जा रही हूँ. मेरा एक ग्रुप था जो कि मैंने लास्ट ईयर बनाया था. आप लोगों को पता है मॉक के नाम के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया था. सो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. तो उसी ग्रुप में से कुछ बच्चों ने मिलकर अपना पर्सनल ग्रुप बनाया था एंड उन्होंने मेरे को शायद फरवरी या मार्च में बताया कि वी आर हम मॉक दे रहे हैं मिलके, तो आपको ज्वाइन करना, आप भी ज्वाइन कर सकते हो. तो एज़ यू नो कि मैं कॉलेज के साथ ही अपना सब कुछ ऑपरेट कर रही हूँ, मतलब एग्जाम वगैरह. सो मुझे पता था कि मैं रेगुलर मॉक नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मेरा रेगुलर कॉलेज है. मैं बीटेक कर रही हूँ, कर रही थी. मेरा रिजल्ट आ चुका है फाइनल. तो जनवरी में मेरा जनवरी में 7th सेम के एग्जाम चल रहे थे. सो इसलिए मैं जो भी है मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, मुझे पता था. तो मैंने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा था उस टाइम पे, बट वो लोग कंटिन्यूसली जनवरी से ही मॉक दे रहे थे. एंड आफ्टर डैट अभी मैंने शायद अप्रैल या मई में, या मैंने अप्रैल में ज्वाइन करा वो ग्रुप, जब मुझे लगा कि नहीं अब मुझे देना चाहिए मॉक. लेकिन अगेन मई में मेरे 8th सेम के एग्जाम आ गए, तो मैं अगेन उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मॉक देना. तो यानी कंटिन्यूएशन में मैंने मॉक नहीं दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमी रही. ठीक है, अब इन लोगों ने जिन्होंने जनवरी से कंटिन्यूसली मॉक दिया था, मैंने देखा इन लोगों को प्रॉपरली. जब मैं ज्वाइन करी ग्रुप, उसके बाद कंटिन्यूएशन मॉक चलता था, हर टाइप के मॉक देते थे. तो दो मिस्टेक जो मैंने करी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. उससे पहले मैं इन लोगों के मार्क्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. सबसे पहले यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, शिवम खुशवा नाम है इनका. इनके आए 165.5 मार्क्स. इंग्लिश में है 40, मैथ्स में 50 एंड रीजनिंग में भी 50 एंड जीके में 25.5 मार्क्स. तो मॉक, रेगुलर मॉक देने के तुम मार्क्स देखो फटाफट से. एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी देते थे ये लोग. अविरल 152.5, इसकी शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी इसलिए थोड़े कम रह गए, अदरवाइज इसका भी स्कोर 165 प्लस ही रहता है. तो इंग्लिश में 142.5 है, मैथ्स में 43.5, सॉरी रीजनिंग में 43.5, मैथ्स में 39.5 एंड जीके में 27. नेक्स्ट है सनी, एंड सनी के है इसका 140. ओके सनी का सिर्फ 163, इनकी स्क्रीनशॉट मेरे को नहीं मिल पाया है. सो इसीलिए इसका इतना स्कोर है. हम पांच लोग ग्रुप में हैं, अभी एक का रिजल्ट हम नहीं देख पाए और चौथी बची मैं, जिसके 118 मार्क्स आए हैं. रीजन अब आप देख सकते हैं, इस सॉर्ट ऑफ टाइम पे ना, इससे बेटर एक वो नहीं मिल सकता हमको, एक प्रूफ नहीं मिल सकता हमको. क्योंकि देखो, इन्होंने रेगुलर मॉक दिए थे. अब रोना धोना छोड़ते हैं पहले तो.
बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि देखो रोने धोने में कुछ नहीं रखा हुआ है, जो होना था वो हो गया, मिस्टेक मेरी है आई नो, तो अभी बैठ के ये आंसू बहाओ मैं एंड ये सब करूँ उसका कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है मेरी गलती है। आई नो इस वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, कुछ अच्छे कमेंट भी आएंगे, आई नो जो भी सब पता है, मैं सबको फेस करने को रेडी हूँ, बट ज़्यादा नेगेटिव कमेंट मत करना, मैं सच में डिप्रेशन में चली जाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप की इंसान हूँ, छोड़ो। तो इससे ये पता चलता है मैंने रेगुलर मॉक नहीं दिए थे, एक तो दूसरा रीज़न था मैं सिर्फ टेक्स्ट बुक से मॉक देती थी, लाइक कभी कभार लाइव देती थी मैं, ऑलिव से मैंने एक बार दिया था, मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ऑलिव से मैंने एक मॉक दिया था एंड मेरे स्कोर बहुत कम आते थे ऑलिव में, सो मुझे थोड़ा थोड़ा लगा कि ऑलिव पेपर तो टफ बनाते हैं, तो मैं टफ पेपर क्यों दूँ, पेपर तो ईजी आएगा, तो मैं टेक्स्ट बुक से हमेशा मैक्सिमम टाइम पेपर देती थी क्योंकि उसका पेपर मेरे को ईजी लगता था, प्रीवियस ईयर देती थी। तो इससे क्या होगा ना कि जो टफ पेपर रहेगा ना वो मुझे, मैं जो है ना वो फेस नहीं कर सकती मैं, मेरी ये वो थी। तो जब पेपर एक्चुअली टफ आया मेरा तो जो क्वेश्चन तो टफ थे वो तो मेरा खराब होगा ही, और जो इजी थे उन क्वेश्चन पे भी तो इम्पैक्ट पड़ा ना, क्योंकि मुझे देखते लग गया पेपर टफ है, अब मेरे मन में घंटी बज रही है कि हाँ खराब मार्क्स होंगे, कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, तो बाकी जो क्वेश्चन मैं कर रही थी, आप मेरे नेगेटिव देखो 16 नेगेटिव किए मैंने, मैथ्स में नेगेटिव देखो मेरे, तो अटेम्प्ट देखो कितने कम है, तो उससे क्या होता है ना आप घबराने लगते हो और वो घबराहट के मारे चीजें खराब होती। 118 तो बिल्कुल भी नहीं आते, एटलीस्ट 130 प्लस आते मेरे उस दिन, अब फिर लगेगा मैं एक्सक्यूज दे रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ उस दिन मेरे साथ बहुत ज्यादा रश हो गया था, मेरा मॉर्निंग में उठते फोन खराब हो गया था, एंड मेरा ऐसा ना मैं फोन के बिना नहीं रह सकती, मतलब सच में बता रही हूँ मैं फोन के बिना नहीं रह सकती, मैं नीचे पानी भरने भी जाऊंगी तो मेरे हाथ में फोन रहेगा, मैं फोन के ना एक मिनट नहीं रह सकती, तो वो इंसान का फोन खराब हो गया, तो मैं ना एकदम स्ट्रेस में थी उस दिन सारे दिन कि किसी तरह फोन ठीक हो जाए। ऊपर से मेरी मम्मी ऐसी है ना, अगर मेरा फ़ोन ऑफ आया या मैंने नहीं उठाया तो पूरे छत्तीसगढ़ को बता देंगे कि मेरा फ़ोन नहीं लग रहा, ऑफ हो गया, वो बहुत ज़्यादा ओवर मतलब करती है तो उनको वो रहता है, तो इसलिए मेरा ऑफ फ़ोन ऑफ था तो मेरे को और ज़्यादा टेंस था, लेकिन फिर मैंने कॉल वॉल करके बता दिया, खैर अब छोड़ो मेरे को नहीं शेयर करना, मेरे को वो एक्सक्यूजेज नहीं देने, अब जो हो गया सो हो गया। तो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी इसको मैं पॉजिटिव वे में लूँगी, कैसे अच्छा है ये मेरे गंदे मार्क्स है, सीजीएल तक मेरे को अब ये ज्ञान हो गया ना कि बहानों से काम नहीं चलेगा, रेगुलर मॉक देने पड़ेंगे, हर तरह के मॉक देने पड़ेंगे, मैंने आज तक जिंदगी में आरबी का एक मॉक नहीं दिया, रीजन बताओ, क्योंकि ग्रुप में इनके जिनके 160-170 आए ना इन लोगों के 130 मार्क्स आते थे आरबी में, तो मैं देखती समझती थी मेरे इसमें क्या ही मार्क्स आएंगे, तो मैं देती ही नहीं थी मॉक, अब उसका नतीजा देख लो ना, पेपर टफ हुआ तो खराब हो गया मेरा, तो इसलिए सजेशन है हर प्लेटफॉर्म के मॉक दो, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब दो प्लेटफॉर्म के तो एटलीस्ट खरीद के परचेज होने चाहिए तुम्हारे पास, एंड बाकी प्लेटफॉर्म को भी ट्राई करो, ये नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे तुम लगे हुए हो, मेरा वाला हाल हो जाएगा। एंड लास्ट में एक लाइन कहनी चाहूंगी कि ऊंची छलांग से पहले शेर भी दो कदम पीछे लेता है, तो ये वही छलांग के लिए मैंने दो कदम पीछे लिए अभी, अब सीजीएल में मैं अपनी छलांग दिखाऊंगी, ज्यादा हो गया बट हाँ सीजीएल में मैं बस कुछ नहीं, वर्ड नहीं है, वो करके दिखाऊंगी ना जो किसी ने बिलीव ना किया हो, चाहे ये कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंट कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि सच में मेरे को बहुत बड़ा सबक मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मेरे 118 आ सकते हैं, मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी जो भी थी, बट एक लाइन कहूंगी ना, मेरे को CHSL एग्जाम से ना दो दिन पहले मैंने कमेंट भी किया परमार सर के वीडियो पे, मैं वो कमेंट का स्क्रीनशॉट अगर मिल गया तो लगा दूंगी यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे CGL के एग्जाम से दो CHSL के एग्जाम से दो दिन पहले ना मेरे को फील हो रहा था कि मेरा पेपर खराब जाने वाला है, पता नहीं क्यों शायद मेरे अंदर कोई शक्ति वक्ति आ गई कि मेरे को पहले से ही पता चल जाए चीज़ों के बारे में, बट मेरे को फील हो रहा था मेरा एग्जाम खराब जाने वाला है। उन दिनों मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, लाइक मैं सारे दिन रोती थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ ना, कुछ नहीं हुआ था, मैं सच बता रही हूँ कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, बट मैं रोती रहती थी बिना बात के, मुझे बहुत डिप्रेस टाइप लगता था, आई डोंट नो क्या हुआ था, मैं वो कमेंट दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ढूंढ के। तो एक कहूंगी जैसा आपको दिखता है ना वैसा रियल में कभी नहीं होता है, सो मुझे नहीं पता क्या हुआ था उस टाइम पे मैं, तो ये है कि आपका एग्जाम के टाइम में ना आपका मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। सो उसी दिन के बाद से ना जब मेरा CHS का एग्जाम देके आई थी उस दिन के बाद से मैंने रेगुलर मेडिटेशन करना स्टार्ट करा है, एंड लिटरली बहुत फर्क पड़ा है, मैं कई बार कोशिश करती हूँ बट ये छूट जाती है, इसलिए आपका मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा। सो अब ज्यादा नहीं बोलते हैं, जो हो गया क्या बोलूँ मैं, मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, मुझे ऐसे डर सा लग रहा है कि सब क्या सोचेंगे। ओके छोड़ो, उल्टा मेरा तो प्लस पॉइंट है, मेरे तो घर पे भी नहीं पता कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम दे रही हूँ मतलब मेरे घर पे नहीं पता है कि मैं गवर्नमेंट एग्जाम दे रही हूँ, उन्होंने तो मुझे यहाँ पे बीटेक करने भेजा है, सो इसलिए मेरे को तो किसी से शेयर भी नहीं करना पड़ता मार्क्स, वो तो यूट्यूब चैनल है तो आप लोगों को बता रही हूँ मैं। हाँ
खैर अब छोड़ो, जो भी है जैसा भी है, रोने के चक्कर में ओवर फिल्टर लगा लिया मैंने, मुझे पता भी नहीं चला, कुछ ज़्यादा ही एक स्किन क्लियर लग रही है पता भी नहीं चल रहा मैं रो रही हूँ, ज़्यादा फिल्टर लग गया। अब स्किन मेरी जल रही है, यहाँ पे पूरे पिंपल है ना, वो आंसू गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, इसलिए मैं जा रही हूँ मुंह धोने के लिए। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। एंड आप लोग अपने स्कोर शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे मार्क्स आए होंगे डेफिनेटली, गंदे भी मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा भी ये टाइम आ रहा है, आपके पास CGL है, MTS है, दो एग्ज़ाम, इसको सबक लो और आगे बढ़ो, ठीक है, इस टाइम पर रुकना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा अब आप लोगों से बात करके लिटरली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसा सोचेंगे आप लोग, लेकिन ये वीडियो शूट करने के बाद ना मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है दिल का बोझ हल्का हो गया, मैंने कुछ शेयर कर दिया। सो ठीक है, और आज पहली बार मैं वीडियो में शायद रोई हूँ सामने, मैं ना जब मैं दूसरों के वीडियोज़ देखती थी ना कि वो लोग डालते हैं रोते हुए, तो मैं सोचती थी कैसे डाल देते हैं यार, आज पता चल रहा है कैसे डालते हैं। अब छोड़ो 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 छोड़ो, मेरे को बात नहीं करनी, अब इतना ही रखते हैं आज तक के लिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।